तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको स्वागत है कोनी गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस गेम प्ले वीडियो में खेल रहे सोलो वर्सेस स्क्वाड और आए यहाँ पर थर्ड हिल में, और थर्ड हिल में उतरते के साथ ही मुझे डबल बैरल मिल जाती है और यहाँ पर एक टीम भी आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे तलाश थी एक ऑटो गन की, लेकिन भाई दूसरी गन भी मेरे को यहाँ पर शॉर्ट गन ही मिलती है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पर और नीचे जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी ऑटो गन नहीं होती, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था, शॉर्ट गन के साथ रश नहीं कर सकता था। तो मुझे यहाँ पर ऑटो गन चाहिए थी, और इस वाले घर में मुझे दो दो गन मिल जाती है। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं बंदों को। अगर पास फ्री बीसी या फिर मेरे साथ मैच मेकिंग करनी है तो भाई जाओ जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगी। तो जाओ यार जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। Enemy down. और यहाँ पर इनके एक बंदे को तो सीधा नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन भाई अभी भी मुझे मिनी मैप में एक फुटस्टेप आ रहा था। अब देखो अभी आपको भी आएगा। अब यहाँ पर मैं समझ रहा था कि बंदा छत पे होगा, लेकिन भाई ऐसी जगह बैठा होगा, मुझे नहीं पता था। तो बस देखो यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर इस बंदे ने ऐसे ही बैठे बैठे एक बंदे को भी निपटा दिया था, उसकी क्रेट ये रही, तो भाई ये शायद उसी को लूट रहा था। तो यहाँ पर फटाफट यूजी में एक्सटेंडेड लगाते हैं, और सामने भी दो बंदे अलाइव थे इसी टीम के, तो उनको भी निपटाना है। तो बस देखो यहाँ पर क्या होता है। Enemy down. और यहाँ पर फाइनली इसे नॉक करने के बाद मैं सीधा पुश कर देता हूँ, लेकिन अभी भी इसके चौथे मेंबर की लोकेशन पता नहीं थी मुझे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अलर्ट हो गया था, क्या पता बंदा कहाँ हो, मेरे को नहीं पता। लेकिन तभी मेरे को ऊपर से फुटस्टेप आते हैं। Enemy down. और यहाँ पर फाइनली वाली स्क्वाड खत्म होती है। खैर मुझे अभी भी लग रहा था कि भाई यहाँ पर बंदे होंगे, तभी मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज़ आती है, जो कि एक बंदा AKM चला रहा था, वो भी ऑटो पर। अब यहाँ पर जीने में जिस बंदे ने मतलब जो कैंप कर रहा था, वहाँ पर एक बंदे की लाश बिछाई थी उसने, तो वो बंदा शायद इसी का टीममेट होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं ऊपर आता हूँ, अभी देखना यहाँ पर क्या होगा। Enemy down. और यहाँ पर अगर मैं सीधा कवर में ना गया होता तो ये बंदा इजीली निपटा देता। इस बंदे के पास AKM होती है। खैर उस बंदे को इग्नोर करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर भाई पूरी की पूरी चार बंदों की स्क्वाड होती है। तो यहाँ पर आपको एक और शानदार क्लच देखने को मिलेगा, तो बस इंजॉय करो। Enemy down. Enemy. अब यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि भाई सामने कितने बंदे हैं। मैंने फिलहाल दो को ही देखा था, और एक को नॉक कर दिया और एक को पूरा डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार बंदा रिवाइव करने के लिए ऊपर ही आएगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ ताकि बंदा ऊपर आ जाए। लेकिन भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा चलाक होते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या होगा। नेट तो कर देता हूँ, नेट अंदर भी आता है, लेकिन भाई ना तो डैमेज पड़ता है ना ही कोई नॉक होता है। अब यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई सब सीधा घुस के ही मारूंगा, अब ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि नेट भी नहीं होते। तो बस देखो Enemy down. Enemy down. अब यहाँ पर इन बंदों की गलती क्या होती है कि भाई अपने टीममेट्स को बचाने के लिए अंधाधुंध घुस जाते हैं, तो यही इनकी गलती होती है जिसकी वजह से इनको मार देते हैं। खैर इनके पास नेड भी होते तो ये नीचे से नेड कर सकते थे, क्योंकि इनके पास अच्छे वेपन्स भी नहीं होते। यहाँ पर बंदा M16 चला रहा था। खैर एक के पास कार होती है तो भाई वो उठा लेते हैं यहाँ पर, और फाइनली हमें M4 भी मिल जाती है। तो यहाँ से थोड़ी सी लूट कर लेते हैं, और यहाँ पर गाड़ी भी अपने पास तो सीधा निकलेंगी। लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर कुछ बोट्स आ जाते हैं, मतलब दो ही बोट आते हैं, तो इन बंदों को भी मारते हैं पहले। Enemy down. Enemy down.
उसके बाद मैं यहाँ पर सिंक डेल्टा आता हूँ क्योंकि जोन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चारों तरफ बंदे बंदे होते हैं क्योंकि भाई चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पर देखना एक स्कैम होते होते बच्चा मेरे साथ, तो आप भी देखने के बाद ही हंसोगे। तो बस देखो यहाँ पर क्या होता है। Enemy down. Enemy down. और ये बंदे जितनी रफ्तार से आते हैं उतनी रफ्तार से लॉबी में भी चले आते हैं। खैर इनका लास्ट बंदा ऑफलाइन होता है जिसे तो इजीली निपटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सामने दो स्क्वाड फाइट कर रही होती है एक दूसरे से, और तुम्हारा भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए रेडी होता है क्योंकि भाई पता है ना भाई थर्ड पार्टी में किल्स बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक फ्लैंक मार जाता हूँ क्योंकि भाई फ्लैंक मारना जरूरी था, क्योंकि अगर उन बंदों को पता चल जाता कि मैं इधर आ चुका हूँ तो बहुत गंदा वाला मारते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता था कि बंदा कहाँ पर होगा, तो भाई तुम्हारा भाई पीछे से एक नेट को कर लेता है और सीधा वहीं पर फेंक देता है। और यहाँ पर शायद मैंने ये नीड करके गलती कर दी क्योंकि भाई उन चारों बंदों का ध्यान सीधा मेरे ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर ये बंदा नॉक पड़ा होता तो इस बंदे को भी फिनिश कर देते हैं। और जैसे ही मेरे को चार बंदों का फुट स्टेप आते हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास ना ग्रोजा होती है ना एम के होती है, लेकिन भाई फिर भी इन बंदों को निपटाएंगे। तो बस देखना मज़ा आ जाएगा आपको। अब जैसे ही मेरे को यहाँ पर चार बंदों का फुटस्टेप आते हैं मैं वहाँ से सीधा निकल लेता हूँ और सीधा आता हूँ इस वाले घर में। अब देखना आपको चारों के चार बंदे दिखेंगे जो कि लाइन बना के मेरे को मारने के लिए आ रहे थे। अगर मैं वहाँ पर रुकता तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा मारते हैं ना ये लोग। तो बस देखना यहाँ पर मैं एक नेट को कर लेता हूँ, और मुझे इतना पता था कि एक बंदा ज़रूर नॉक होगा जो कि मुझे चाहिए था। तो बस देखो यहाँ पर क्या होता है। Enemy down. Enemy down. और यहाँ पर इन बंदों को भी क्या ही मारा। खैर इनके लास्ट बंदों को मारने के लिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को बिना हील करे घुस गया। खैर मेरे को टाइम मिला था, लेकिन भाई मैं ऐसे ही घुस जाता हूँ और फिर इस बंदों को भी इजीली निपटा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास वेस्ट नहीं होती तो यहाँ पर वेस्ट उठाते हैं, थोड़ी सी हेल्थ उठाते हैं और भाई सारी चीज़ें उठाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। खैर मेरे अलावा यहाँ पर चार बंदे अलाइव थे जो कि भाई एक स्क्वाड हो सकती थी, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, वो बंदे होते दो। लेकिन भाई मुझे पता नहीं होता, मुझे लगता कि भाई अलग अलग बंदे होंगे इजीली निपटा देंगे, लेकिन भाई देखना आपको कुछ सीखने को मिलेगा लास्ट में। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे इस बंदे की लोकेशन पता थी और एक बंदे की लोकेशन पता नहीं थी। अब यहाँ पर इस बंदे ने बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज कर दिया था क्योंकि इसके फुटस्टेप पता नहीं कहाँ से ही आ रहे थे। खैर मुझे ये बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि इस वाले शैक में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर उसका शरीर का कुछ पार्ट भी दिखेगा, आपको भी दिख गया होगा। अब यहाँ पर मैं एक नेट कुक करता हूँ और मेरी सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं नेट करने के लिए बाहर जाता हूँ। Enemy down.
और यहाँ पर अगर मैं कवर में रहकर नेट करता तो शायद बच सकता था। और यहाँ पर यही इतिहास की गेम प्ले वीडियो में गई। अगर आपको गेम प्ले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर है तो इसी प्रकार की गेम प्ले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बैटल क्लब को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, तो जाओ डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे जीतो।